Hello my dear student, today we will solve remaining word problem of exercise 4.4. okay, so इसके पहले वाले वीडियो में हमने कुछ वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए थे। हमारा 8, 9, 10 बचा हुआ था जिसे हमें सॉल्व करना है। ओके, तो लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 8। 3,345 पीपुल्स विजिटेड एन एग्जीबिशन ऑन मंडे, 6,468 ऑन ट्यूजडे एंड 4,229 ऑन वेडनेसडे। हाउ मेनी पीपुल इन ऑल विजिटेड द एग्जीबिशन ड्यूरिंग द 3 डेज। मीन्स एक एग्जीबिशन था जिसपे मंडे को कितने लोगों ने विजिट किया है, यात्रा किया है, गए थे 3,345 एंड ट्यूजडे को 6,468 एंड वेडनेसडे को 4,229 पीपुल। हाउ मेनी पीपुल का कितने पीपुल इन ऑल विजिटेड द एग्जीबिशन ड्यूरिंग इन 3 डेज। तो इन तीनों दिनों को अगर मिला लें तो कुल कितने पीपुल एग्जीबिशन पे विजिट करने गए थे। ओके? हमें फाइंड करना है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हमें ऑल फाइंड करना है। हमने बताया था ऑल के लिए लगभग सभी क्वेश्चन में आपको ऑल टूगेदर, ऑल जहां भी ऐसा मिले तो हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो हम इसमें भी क्या करेंगे, ऐड करके फाइंड करेंगे कि मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे इन तीनों दिनों को मिलाकर कुल कितने लोग, कितने पीपुल एग्जीबिशन पर गए थे। ओके, सो सॉल्यूशन नंबर 8। सॉल्यूशन 8, ये आपका एक्सरसाइज 4.4 का है। ओके, सॉल्यूशन नंबर 8, तो नंबर ऑफ पीपुल ऑन मंडे मीन्स मंडे को कितने लोग गए थे, 3,345। नंबर ऑफ पीपुल ऑन मंडे 3,345 एंड नंबर ऑफ पीपुल ऑन ट्यूजडे को कितने पीपुल गए थे विजिट में एग्जीबिशन के लिए, 6,468 एंड नेक्स्ट नंबर ऑफ पीपुल ऑन वेडनेसडे, वेडनेसडे को कितने पीपुल गए थे, 4,229। ओके, सो हमको फाइंड करना है टोटल नंबर ऑफ पीपुल, मतलब दिन मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे को अगर मिलाकर देखे तो कुल कितने पीपुल गए थे। सो टोटल नंबर ऑफ पीपुल इन 3 डेज, इन 3 डेज तीनों दिनों इक्वल्स, तो हम क्या करेंगे, इन तीनों को ऐड करेंगे। मीन्स 3,345 प्लस 6,468 प्लस 4,229। ओके, अब हम इसे कॉलम में अरेंज करके ऐड कर लेते हैं। नाउ वी विल ऐड 5 + 8 इक्वल्स 13, 13 + 9 इक्वल्स 22, 22 में 2 राइट करेंगे एंड 2 इज कैरी। नेक्स्ट 2 + 4 इक्वल 6, 6 + 6 इक्वल 12, 12 + 2 इक्वल्स 14, 14 में 4
4 ऐड करेंगे, 1 इज कैरी, 1 प्लस 3 इक्वल्स 4, 4 प्लस 4 इक्वल्स 8, 8 प्लस 2 इक्वल्स 10, 10 में हम 0 ऐड करेंगे एंड 1 इज कैरी, 1 प्लस 3 इक्वल्स 4, 4 प्लस 6 इक्वल्स 10, 10 प्लस 4 इक्वल्स 14, ओके, दस दस 14,042 पीपुल इन ऑल विजिटेड द एग्जीबिशन एग्जीबिशन ड्यूरिंग 3 days मीन्स इन तीनों दिनों को अगर हम मिला दें तो कुल कितने पीपुल विजिट करने गए थे, यात्रा करने गए थे, 14,042, ओके, दिस इज डन. नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 9. इन ए लाइब्रेरी देयर आर 5,430 बुक्स ऑन साइंस, 4,380 books on mathematics and 5,590 books on English. Find the total number of books in the library. Means एक library है, library में सब जहाँ ढेर सारी books रहती हैं वहाँ हम उसे हम library कहते हैं. एक library में 5,430 books जो है science के हैं and 4,380 books जो है वो mathematics के हैं and 5,590 books English के हैं. तो find the total number of books. तो कुल science, math और English अगर plus करें इनके books कुल मिला के कितने हो जाएंगे वही हमको बताना है कि library में total book कितने हैं. Okay? इसके लिए हम क्या करेंगे? इन सभी को add करेंगे. Okay? Now let us see solution number 9. सॉल्यूशन नंबर 9. नंबर ऑफ साइंस बुक, नंबर ऑफ साइंस बुक, साइंस के बुक कितने हैं? साइंस के बुक 5,430 एंड नंबर ऑफ मैथमेटिक्स बुक, नंबर ऑफ मैथमेटिक्स मैथमेटिक बुक्स इक्वल्स मैथमेटिक्स के कितने बुक्स हैं टोटल? 4,380 एंड नंबर ऑफ English, number of English book, English books equals 5,590 books. ये English के हैं, 5,590 books English के हो गए. तो हमको total number find करना है, कुल books कितने हैं. Thus total. So total number of books equals 5,430 plus means अब हम इन सभी को ऐड करेंगे 4,380 plus 5,590. Okay? Now we will arrange in column. हम इसे कॉलम में अरेंज करेंगे एंड उसके बाद ऐड करेंगे. जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो इक्वल्स जीरो, थ्री प्लस एट इक्वल्स अलेवन, अलेवन प्लस नाइन इक्वल्स ट्वेंटी, ट्वेंटी में हम जीरो राइट करेंगे एंड टू इच कैरी, 2 plus 4 equals 6, 6 plus 3 equals 9, 9 plus 5 equals
14. 1 is carry. 1 plus 5 equals 6. 6 plus 4 equals 10. 10 plus 5 equals 15. Okay? Thus, the total number of books in the library equals 15,400. Means उस लाइब्रेरी में टोटल बुक्स कितने हो गए 15,400. ओके दिस इज डन. नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 10. देयर आर 2,735 मेन, 3,259 वुमेन एंड 526 चिल्ड्रेन इन ए विलेज. व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज. मीन्स एक विलेज मीन्स एक गांव में 2,735 मेन आदमी हैं, पुरुष हैं, एंड 3,259 वुमेन, 3,259 स्त्रियां हैं, एंड 526 चिल्ड्रेन, 526 बच्चे हैं. व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज. तो उस विलेज की उस गांव में टोटल जनसंख्या क्या है हमको फाइंड करनी है. इसके लिए क्या करेंगे, हम इन सभी को मतलब नंबर ऑफ पीपल, नंबर ऑफ मेन, नंबर ऑफ वुमेन एंड नंबर ऑफ चिल्ड्रन को ऐड कर देंगे. ओके तो लेट अस सी सॉल्यूशन. सॉल्यूशन नंबर 10. नंबर ऑफ मेन इक्वल्स, मेन्स कितने हैं 2,735, मेन हैं 2,735, एंड नंबर ऑफ वुमेन, वुमेन कितनी है, मीन्स स्त्रियाँ कितनी है, महिला कितनी है 3,259, एंड नंबर ऑफ चिल्ड्रेन इक्वल्स, चिल्ड्रेन कितने हैं 526. सो टोटल पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ मेन, नंबर ऑफ वुमेन, नंबर ऑफ चिल्ड्रन को ऐड कर देंगे. तो नंबर ऑफ मेन 2,735 एंड नंबर ऑफ वुमेन 3,259 एंड नंबर ऑफ चिल्ड्रेन 526. नाउ वी विल अरेंज इन कॉलम. इसे कॉलम में अरेंज करेंगे. Now we will add 5 plus 9 equals 14, 14 plus 6 equals 20, 20 में क्या ऐड करेंगे 2, and sorry 20 में 0 ऐड करेंगे and 2 is carry, 2 plus 3 5, 5 plus 5 10, 10 plus 2 12, 12 में क्या ऐड करेंगे 2 and 1 is carry, next 1 plus 7 equals 8, 8 plus 2 10, 10 plus 5 15, 15 हम क्या ऐड करेंगे 5 एंड 1 इज कैरी, 1 प्लस 2 इक्वल्स 3, 3 प्लस 3 इक्वल्स 6, ओके 6,520. दस इस प्रकार द टोटल पॉपुलेशन इन द village is 6,520. Means उस गांव में, उस village में total population क्या हो गई
6520. Okay, this is done. And exercise 4.4 is now finished. Finish ho gaya. So thanks and take care.